अल्लाह की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी जेही कर रही है? जी, जी मुझसे बात कर रही है? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? सारे देवता पधारे हैं। पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में? पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में? ये सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी, कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ, तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा। मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी, बताओ ना। अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही। हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है सुधा, क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो अवश्य ही उद्देश्य कछु विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है,
इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? तेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। देखा मधुमंगल, लगभग सभी देवता आए थे यहाँ, बस एक उन्हें छोड़कर पता नहीं कहाँ रह गए वो। आहा, तो यहाँ है आप। क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। कल्पना करो, छोटे छोटे नवजात शिशुओं के कोमल तन, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आनंददायक आहार। जिसे मेरा अंत करना था अब ये बनेगी उसका काल। आइए ना शनिदेव, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। प्रभु पर अपनी वक्र दृष्टि डाल, उनके लिए किसी भी संकट को जन्म नहीं दे सकता मैं। वो अभी बाल स्वरूप में है, यदि कोई विपदा आ गई तो नहीं नहीं, मुझे उनके दर्शन किए बिना ही लौटना होगा। नन्हे नीलमणि के दर्शन करके मंत्रिप्त हो गए। सच कह रहे हो भाई, उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। प्रभु के द्वार तक आकर बिना दर्शन किए वापस कैसे जाऊं, जो साधारण मानवों को सहज ही प्राप्त है, वो मेरे लिए इतना कठिन क्यों है। नहीं, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप पर कोई आपदा है यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा नारायण। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा लल्ला लल्ला, आजा आजा लल्ला, गोदी में आजा 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 आजा। सल्लाब कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं कस्तूरी मेरे पास आएगा, मैं ही लूंगी। लल्ला लल्ला लल्ला, शांत हो जाओ सब, शांत शांत। घर ना जानो है, हाँ घर ना जानो है। तुम सब के कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जीजी देखो हंस रहा है, आजा गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है, मुझे तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी। हाँ अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला।
बहुत थक गए ना? हाँ, अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए, अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। जे क्या है लल्ला, मैं तुझे सुलाने के लिए झुला रही हूँ और तू है कि आंखें न चारों है? कहाँ देख रहे हो लल्ला, कौन है वहाँ? कौन है, कहाँ देख रहे हो? महाराज आप कौन और आप यहां क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तू इतनी देर क्यों कर दी, जब सब आए थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है, कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनिदेव। अच्छा, शनिदेव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनिदेव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो तुम, देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची का देवता मान लूंगी? संपूर्ण जगत मुझे शनि देव के नाम से जानता है मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले ऐसे दृष्टि ना चुराते, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आपको कैसे समझाऊं, मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता, अपनी वक्र दृष्टि से श्री हरि की मैया का अहित कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा, पहचान का छल सिद्ध हो गए तो मौन हो गए, इससे पहले कि नंद महाराज को पता चले। चलो जाओ यहां से आप। बस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया, फिर चला जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं शनिदेव हूं। यदि जे सच बोल रहा होता तो मैं अवश्य इसे लल्ला से मिलवा देती, किंतु जे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, अब तो इसे गोकुल का खट्टा मट्ठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम जसोदा ना। महाराज, यदि आप सच्ची में शनिदेव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था, फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए, वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गई तो ना ना आप ही बताओ, ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, है शनिदेव? अब आप क्षमा करो मुझे, मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए हैं, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का।
जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी सनीदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है किंतु सनीदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना। हाँ हाँ, नहीं तो ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। हे नारायण, मैं तो आप ही का सेवक हूँ, केवल आपके आदेश पर न्याय करता हूँ और केवल पापियों को दंड देता हूँ। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड, तो फिर सभी मुझे क्रूर क्यों समझते हैं, क्यों भयभीत होते हैं मेरी छाया तक से। देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो फिर ये सौभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया, क्यों? ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु, ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु। उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कमी पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। सब आपके स्वरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभु, कह रहे थे आपकी आंखें, आपके मुस्कुराहट, आपका संपूर्ण रूप स्वरूप सब कुछ कितना सुंदर है। आपके चेहरे पर दिव्य आभा, अद्भुत तेज। तो आपने मुझे किस दोष का दंड दिया है प्रभु, क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है। भूख लग रही है लल्ला को? हाँ, कि ठंड लग रही है, बहुत थकान होगा ना लल्ला। पीड़ा तो हो रही है मैया, पर थकान से नहीं शनि देव के कष्ट से। कथा रूप की बाल प्रभु के सुन के मन हर्षे, द्वार गए पर मिल ना पाए, ये तड़पे और तरसे। रोम रोम है पीड़ा में, व्यथित है न्यायपति, किस विधि दर्शन करूं हरि के, ये सोचे देव शनि। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी, तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, आपके संकेत की प्रतीक्षा है प्रभु, एक बार आदेश कर दीजिए कि मेरे भाग्य में आपके शुभ दर्शन है ही नहीं। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभु कि आप मुझे संकेत दें। स-
संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है। आपके दर्शन करने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए। लौट जाना चाहिए प्रभु, लौट जाना चाहिए। बिना मिले ही जा रहे हैं शनिदेव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने में स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं। सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनिदेव, क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया, संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए। प्रभु, आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। संदेह हो जाए मुझे जाना होगा शनिदेव। प्रभु, कृपया अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेशणम सहारवक्षस्थलशोभितास्तुभम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् श्रीहरि, मुझे पंछी की छाया।
यशोदा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? जानवर को लगो जैसे लल्ला की ना कोई पंछी की छाया हो। पंछी? अब ना मुझे तो लग रहा है जो गिलहरी की छाया। यशोदा, बालक नीलमणि है और बालकों वाले काम तुम कर रही हो। अरे प्रकाश और छाया से खेलने का काम लल्ला के लिए छोड़ दो। अरे परंतु ये देखो झरोका खुलो है, ठंडी बयार चल रही है, लल्ला को ठंड लग जाएगी, बंद करो जाओ। हाँ 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 लल्ला, ए लल्ला। आज सब कितने सज धज के आए थे तुझसे मिलने के लिए, जैसे दीपावली हो। अरे लल्ला सिवाय इनके देखो। जब से चिच्ची मथुरा से लौटी है इनका सजना सवरना सब छूट गया है। मैया, तब तो हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। सुनो जी, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। जे इसे देखो, ना तो जे थको है ना इस आंखों में नींद है। हो सकता है इसका भी मन हो अपनी बड़ी माँ से बात करने का। लल्ला, डरने की क्या बात है, बस थोड़ी आंधी तो है। लल्ला 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 लल्ला, जीजी। अरे यशोदा, नन भैया। चिची, ये नीलमणि के षष्ठी पूजन का उपहार है। यशोदा, नन भैया, मैं आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आप दोनों को तो पता है मेरे हृदय में नीलमणि के प्रति अत्यधिक प्रेम है। यशोदा, तुम तो जानती हो मैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनती, स्त्री का श्रृंगार उसके पति से होता है और मेरे पति तो उस महादुष्ट कंस के कारागार में बंदी है। ऐसे में इस रास रंग का झूठा दिखावा कैसे करूं नंद भैया? अभी समय नहीं हुआ है इसीलिए विवश हूँ, पर आपका दुख मैं भली भांति समझता हूँ बड़ी माँ। दिन रात ये भय लगा रहता है कि कभी भी उस कंस के सैनिक आएंगे और मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाएंगे। इस आशंका में मैंने उसका बालपन भी खो दिया है। उस नन्हे से बालक को चार दीवारों के भीतर बंद करके रखा है मैंने। थोड़ी देर और, बस तेरे बाबा अब भी आते ही होंगे। भाभी, आपका पुत्र हमारे नीलमणि का बड़ा भाई, आप उसे खुली हवा में सांस लेने दें। मेरा विश्वास करें, आप दोनों गोकुल में पूरी तरह सुरक्षित। चिची, नारायण के घर देर भले ही किंतु अंधेर ना है,
कुछ समय का कष्ट और है चिची, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये देखो नीलमणि स्वयं आओ है आपको उपहार देने के लिए, इसे भी मना करोगे आप? नीलमणि बस आज हट मत करना, मैं तुम्हारी ताऊ जी से मिलूंगी ना, तब नए वस्त्र गहने सब पहनूंगी, साज श्रृंगार करूंगी, तब पूर्ण अधिकार से देना तुम अपना उपहार, किंतु आज नहीं। बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में छोटी छोटी प्रसन्नताओं को त्यागना नहीं चाहिए बड़ी माँ। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, उसे जीना चाहिए। चिची, बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में जीवन की छोटी छोटी प्रसन्नताओं का त्याग ना करना चाहिए। जीवन तो परमात्मा का उपहार है, जीवन तो जीनो चाहिए। नंदराज, 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 क्या हुआ? भूला बंसी, तुम दोनों यहाँ? जी वो उपनंद जी ने कही थी कि आपको वार्षिक कर के बारे में स्मरण करा दूं, इसलिए हम दोनों चले आए। अरे हाँ, नीलमणि के आने की प्रसन्नता में मैं तो भूल ही गया था। अधिक देर होने पर कंस की दृष्टि में आने का संकट, कोई ना, मैं कल मथुरा जाकर कर जमा करा दूं। अरे किंतु कल तो लल्ला का पालना उत्सव है। सुनो जी, शीघ्र ही आना। भैया, हो सके तो अपने भैया और बहन देवकी का समाचार भी पूछ लीजिएगा। जी भाभी, इस बार कछु समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बार आज मथुरा से कछु अतिथि आए थे, उन्हें पता चलो है कंस ने राजा वासुदेव और रानी देवकी को कारागार से बाहर निकाल लो है और अपने महल में रख लो है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार। तुमने पहले क्यों ना बताया? हमें लगो आपको पहले से पता होगी महाराज। अच्छा ठीक है, जाकर तैयारी करो, कल तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जाओ। चिची। भाभी, यशोदा ने कहा था ना कि नारायण के घर देर अवश्य, परंतु अंधेर ना है। प्रतीत होता है हमारा नीलमणि सबके लिए सौभाग्य लेकर आया है। सच्ची भाभी, नारायण का वरदान है जय बालक। भाभी अब हमें चलना चाहिए, और हाँ, कल वसुदेव भैया और देवकी भाभी से बिना मिले वापस ना आऊंगा मैं। उन्हें कह दूंगा और बता दूंगा कि कितना स्मरण करते हो आप उन्हें। चिची, शुभ समाचार मिलो है, अब तो जी उपहार स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ यशोदा, अत्यंत शुभ समाचार आया है, और अपने साथ ही आशा भी लाया है कि अब शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। तुमने सत्य कहा था यशोदा, जीवन जीना चाहिए। मैं भी जीऊंगी, छोटी छोटी प्रसन्नताओं को मनाऊंगी, अपना ध्यान रखूंगी, फिर से सजूंगी, सवरूंगी। अब जब वो मुझसे मिलने आएंगे, उनका स्वागत करूंगी, उन्हें वैसे ही मिलूंगी जैसे जैसे उन्हें छोड़कर आई थी। मैं आपको आपके दुख से मुक्ति दिलाऊंगा, बस कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर लीजिए बड़ी माँ। कब तक बचेगा शिशु विष्णु? आज नहीं तो कल तू मेरा निवाला अवश्य बन जाएगा। कल तुमसे भेंट होगी पूतना। कहाँ है तू शिशु विष्णु? शीघ्र ही तुझे आहार बनाऊंगी मैं। तुमने बहुत दुष्कर्म कर लिए पूतना, अब तुम्हारे आतंक का अंत करूंगा मैं।
करती हो मैया? मैं हूँ ना। नेत्र खुले रहे तो मैया पक्का घबरा जाएंगी। यशोदा, क्या हुआ? अरे बोलो ना, कोई बुरो सपनों देखो? ना, स्वप्न तो ना था, किंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगो जैसे नीलमणि को कुछ। ये देखो, नीलमणि तो शांति से सो रहा है, तुम ना व्यर्थ ही व्याकुल हो रही। बाबा सही कह रहे हैं मैया, कुछ नहीं होगा मुझे। सुबह होने में अभी समय है, व्यर्थ की चिंता को झटक, सो जाओ। अच्छा, ऐसे कैसे झटक दूं चिंता? नींद अचानक खुलोए मेरी, इसका अर्थ है अवश्य ही कोई बुरी दृष्टि है मेरे लल्ला पर। आप भी कल जा रहे हो मथुरा? सुनो जी, जाना आवश्यक है, रुक ना सकते आप। कर जमा करानो है यशोदा, कल अंतिम दिन है, यदि वो निकल गए तो नारायण ही जाने वो कंस क्या करेगो। जानो आवश्यक, पिछले 6 दिन से नित्य कोई ना कोई कर्म कांड संस्कार चल रहा, इसीलिए तुम थक गई हो, तनिक विश्राम कर लो, सो जाओ। देखो नीलमणि भी जय कह रहा है कि मैया मोरी, विश्राम कर लो, सो जाओ। कल मेरो पालना उत्सव मनानो है कि ना? सो जाओ। गंध पर अब तो भूख भी मिट गई है, एक रात का समय बचा है बालक, जी ले, कल सूर्य की पहली किरण के साथ अंतिम सांस लेगा तू। संतान के लिए मैया का कैसा अद्भुत प्रेम है ये, पूतना की छाया से ही इन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। जब कोई बैलगाड़ी से यात्रा करता है तो गाड़ी पर चढ़ते ही सामान की गठरी नीचे रख देता है, उसे पूरे समय अपने सिर पे ढोते हुए यात्रा नहीं करता, उसी प्रकार आप भी अपनी चिंता की गठरी मुझे सौंप दो मैया, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे आप थपकी देकर मुझे सुलाती हो, वैसे ही आज मैं आपको सुलाऊंगा। वचन देता हूँ मैया, जिसने आज आपकी निद्रा भंग की है, कल उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा मैं। तैयार है नंदराज जी। उपहार और मिठाइयाँ तो ठीक है, किंतु भोजन रखो है कि ना?
हाँ भाभी रख दियो है। और भोजन ऊपर रखो है कि मिठाई? भोजन ऊपर रखो है भाभी। मुझे लगो ही था अब मिठाइयाँ पिचक जाएंगी ना। हाँ भाभी तो अभी मिठाइयाँ ऊपर रख देते हैं। क्या होगा बंसी भैया, फिर मिठाइयों का रस भोजन में चला जाएगा ना। मैया ऐसे पूछताछ करोगी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही। अरे भोला बंसी, अरे भोजन और मिठाइयों को अलग अलग रखो भाई। यही कह रही हो ना सुधा? अरे वाह आज हमारा राजकुमार जल्दी उठ गए। इसे भी पता है पालना उत्सव में इसके बाबा ना होंगे इसके साथ, इसीलिए विदा करने आ गए हैं। फिर कोई ऐसा कर्मकांड ना होगो जब मैं ना हूं। बस आज जाने दे लल्ला, सबको जाकर अपने हाथों से मिठाइयां भेंट करूंगा और सबको बताऊंगा कि इतना सुंदर इतना प्यारा लल्ला का बाबा बन गो मैं। भैया के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं। हमारे पुत्र को ढूंढने के लिए अब उन्होंने पूतना को आदेश दिया है। वो केवल महाभयंकर ही नहीं बल्कि मायावी भी है। हमें किसी भी प्रकार से ये सूचना गोकुल भिजवानी होगी। सत्य कह रही हो देवकी, मुझे भाई नंद को किसी भी तरह सावधान करना ही होगा, किंतु कैसे? हमारे लल्ला के बारे में जानकर सबसे अधिक कौन प्रसन्न होगा पता है? वसुदेव भैया। सत्य कहा आपने। बड़ी माँ नए वस्त्रों में ये हुई ना बात। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो रोहिणी जीजी, सच्ची। आपने जीवन में फिर से रुचि लेना आरंभ कर दियो है, ये जानकर वसुदेव भैया की प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। ये उनके लिए मेरे हाथों से बनाए पेड़े मथुरा के पेड़ों से भी अधिक प्रिय है उन्हें, और ये देवकी के नवजात कन्या के लिए। कहिएगा केवल वस्त्र नहीं है, अपना आशीर्वाद भेजा है मैंने। सच में यशोदा, नीलमणि एक आशा का दूत बनकर आया है मेरे जीवन। नंद भैया उनसे ये भी कहिएगा कि मैं और उनका पुत्र हम दोनों ही यहाँ कुशल से हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। वसुदेव भैया और देवकी भाभी से बहुत सारी बातें करनी, यदि विलंब हो जाए तो चिंता मत कर, जाने से पहले लल्ला को हृदय से तो लगा लो। विचित्र सो क्यों लग रहा है मुझे? बाबा आपका पुत्र है ना यहाँ, सब कुशल मंगल ही होगा। चलता हूँ। ध्यान रखो। जय राम जी की।
कहां से आरंभ करूं आज? रजपुरा, रानी घाट, देतिया, बरसाना या गोकुल? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ। चिप्ची। हाँ, बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है। देख रही हो जिजी? हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है। तो देखो नीलमणि, हम आ गए। आ गए तुम सब? पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना? आप कहो तो आप क्या ही बस जाइए यशोदा भाभी, फिर तो कभी देर ना होगी। ना ना, ऐसी भूल मत करना। अच्छा, जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलतो है, वो भी छीन लो सब मुझसे। जिजी, आप चिंता मत कीजिए, ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की। रोहिणी जिजी ने कल ही सब कुछ समझा दियो था। क्यों रोहिणी जिजी? तो बस चलो संभाल लो सब कुछ। हाँ, तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी। बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे। हाँ, अभी आई तेरी मैया। अभी आई। मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज। विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में, यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव। ना ना, बरसाना नहीं, कोई और स्थान भी नहीं, आज तो पूतना को यहीं आना होगा मेरे पास। बड़ा गांव है, इतने सारे व्यक्ति हैं, अनेक बालक मिलेंगे यहाँ। किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना। अरे, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आ कहो तेरी मैया, आ कहो तेरी मैया। ऐसा रूप निखरेगा मेरे लल्ला का, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे तो इस बात की चिंता है मैया कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा, आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं, किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता। खुदकुदी हो रहा है? मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी, कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ, बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना। मैया बहुत उत्साहित है आज। तैयारी में कोई कमी न रहे। अरे इसे थोड़ा नीचे लगाना ना। देख रहे लल्ला, मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रही है।
बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव। इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे, मुझे तेरा साज सिंगार पूरा करना है। पोशाक तो पहना दिए नहीं, अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के। हाँ वीरा लल्ला, यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा। एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े। मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? पता? ओह हाँ, बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सच गौ है। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआ दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआ दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां, कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज, राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता। बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा करो, मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने वर्षों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म, कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। उतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से धारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो।
वो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे तो उसको खोना नहीं चाहिए, मुट्ठी में। मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ। जी महाराज। समय से पहले ही कार्य हो गए, बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो। मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। हो गो मेरा लल्ला तैयार, हो गो मेरा लल्ला तैयार। अश्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अभी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है, रोक सकता है तो रोक के दिखा। काले विपरीत बुद्धि, एक बार पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र देवकी, आप यहां सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मासिक कर देने आया हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दियो, तो मिलने और बधाई देने चले आयो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं।
नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहाँ। क्या हुआ भैया? भाभी आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है, उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया पुत्र स्वस्थ तो है ना? वो दूध ठीक से पीता है ना? और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना? नींद ठीक से होती है उसकी? भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना? और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए और उसके सोने का गद्दा भी कोमल होना चाहिए। देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके नहाने का जल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देवकी सांस तो ले लो। इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रश्न। भाभी आप चिंता मत करो, हम हमारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे। यशोदा तो ममता में बावरी हो गई, क्षण भर के लिए भी नीलमणि को स्वयं से दूर ना करती, हृदय से लगा के रखती। आज लल्ला का पालना उत्सव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यशोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी। लल्ला को इतना अच्छे से सजाया होगा कि बस पूछो ही मत। यदि हम भी वहां होते तो अपने नेत्रों से देख पाते उसे। कितना सुंदर लग रहा होगा उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उसकी सुंदरता में चार चंद्र लगा देते हैं, और उसके नेत्र मानो कमल के फूल, शांत धीर गंभीर। किंतु नटखटपन से भरे हुए और रंग की तो आप पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे दोपहर की कड़ी धूप के बाद शाम की शीतल मंद मंद बयार चल रही हो। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आगो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी। देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला। अद्भुत बात तो ये है कि आप ही की तरह यशोदा भी उसकी बहुत चिंता करती है। आज पालना उत्सव में भी तरह तरह के प्रश्न करेगी। जब तक सब कुछ जांच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, ये ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला उस सब आरंभ करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे जे फूल जे आज के ही है ना,
कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरा लल्ला को चुभ गई तो बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके बस्त्र सब कोमल है ना? आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने। अच्छा अच्छा, और जे पालना, जे सुरक्षित तो है ना? बाहर उठा लेगो ना मेरे लल्लो को? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है? उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है। मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से। उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझते आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। नो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने उतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी सात दिन पहले तो अनर्थ हो जाएगा। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। क्या हुआ? यदि कंस को पता चला कि आपको पुत्र पैदा हुआ है तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नंद भाई, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ भैया, क्या हुआ है? मैं लल्ला के जन्म का समाचार स्वयं दरबार में सुनाकर है। पर क्यों? क्योंकि मुझे इस विषय में जानकारी न थी। मुझे किसी भी तरह आपको यह सूचना भिजवानी चाहिए थी। अब इन बातों का समय न है, मुझे जाना होगा, जानो है मुझे।
गोपराज नंद, ये पांव गोकुल पहुंचने के लिए उड़े जा रहे हैं ना, अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है। जब तक तुम पहुंचोगे, तुम्हारे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे। अंशी बोला, शीघ्र चलो। काबो नंदराज, गोकुल चलो, गोकुल जाने, चलो गाड़ी आगो। यशोदा जी, हो गया भरोसा, अब उत्सव आरंभ करें। कौन है ये? कहां से आई है? देवी लग रही है, अवश्य कोई राजवंश से होगी। नंद भवन में जो पालना उत्सव है ना, उसी में विशेष अतिथि होंगी। विशेष अतिथि तो हूँ, और अब पालना उत्सव को भी विशेष बनाऊंगी मैं। पथरीला है, जल्दी तीव्र आंखो। जो विपदान पड़ी है, उससे मेरे पुत्र की रक्षा करना, बालक माता के सुख में कोई विघ्न मत आने देना प्रभु, रक्षा करना। मथुरा में माँ व्याकुल है, और यहाँ गोकुल में मैया आने वाले संकट से अनभिज्ञ प्रसन्नता के झूले में झूल रही है। दोनों के मन की शांति के लिए पूतना के साथ होने वाले संघर्ष को सावधानी से संभालना होगा मुझे। बस करो सब, कितना झुलाओगे, मुझे भी तो दो। तेरे जीवन की ज्योति बुझने वाली है विष्णु अवतार, देख मैं आ गई हूँ यहाँ। बस कुछ क्षण रुक जाओ पूतना, मैया को मुझे झुलाने का आनंद उठाने दो। हाँ।
यदि मैं भी तिरुपति होती तो कितना अच्छा होता ना। किंतु जे है कौन? स्वरूप तो देखो इनका, चेहरे में मुस्कान, हाथ में कमल का फूल, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी आई हो। जान ना पाए आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपकी नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना ये बात ना है, किंतु यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज ये उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। काका शीघ्र चलो। क्या हुआ, अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झुलाने ही आना, मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। ध्यान से देख, मैं तेरे द्वार के भीतर प्रवेश कर रही हूँ और तू मुझे धमकाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा। अब बस चुपचाप पालने में लेट कर प्रतीक्षा कर मेरी, अर्थात अपनी मृत्यु की। शिशु विष्णु कहाँ है तू? अरे तुम सबको पता है जे कौन है? नीलमणि के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं वसुदेव भैया ने भेजो इन्हें मथुरा से। स्वामी ने भेजा है? हाँ? कैसे है वो? और बहन देवकी वो कैसी है? भाग्य की कृपा है, सब उत्तम है। वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार तो होता है ना? हाँ, सुख में तो है वो। उन्हें उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है ना? कहाँ छिपा है दुष्ट बालक, भयभीत हो गया क्या? ये उत्तर क्यों नहीं दे रहा? कुछ देर पहले तक तो कौवे की तरह कांव कांव किए जा रहा था, किंतु एक शिशु भूल कैसे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी कल्पना हो? बताइए ना, आप मौन क्यों हो गए? हाँ हाँ, वो परम प्रसन्न है, स्वस्थ है, सुख से है। और सबसे बढ़कर वो दोनों रानी यशोमती के बालक के लिए बहुत उत्साहित हैं।
अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तभी तो मुझे यहाँ भेजा है। वैसे है कहाँ वो? मुझे भी तो मिलवाइए। अरे वो रहा अपने पालने में। आप किंतु मिलने से पूर्व तनिक स्वागत सत्कार करना है आपका। आप अतिथि हैं हमारी। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कैसे ना है? बिल्कुल है। अरे स्वागत सत्कार करना तो धर्म है हमारा, और अपना जे धर्म मैं अवश्य निभाऊंगी, और जे अधिकार मुझसे मती ना छीनो आप। मेरी मैया से चतुराई दिखाने की चेष्टा कर रही है पूतना, बहुत भारी पड़ेगा इसे। विश्वास कीजिए, तनिक भी भूख नहीं है हमें। देवी तुल्य है आप, गोकुल के भोग को मना कर ही ना सकती। भोग तो खाना ही होगा। आइए 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 चल। शीघ्र चलिए, तीव्र आंखो लीजिए, ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। रक्त पीना है मुझे, और ये साधारण भोजन के चक्कर में फंसा रही है। ऐसी ही हट करती रही तो अपने असली रूप में आ जाने पर विवश हो जाऊंगी मैं। मेरे लल्ला का पालना उत्सव है, ऐसे सादा मुंह थोड़े ना जाने दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। मैं कछु और तो ना समझ रही? कहीं ये मेरा सत्य समझ तो नहीं गई? आप वो ही हो ना जो आप कह रही हो? ओ वसुदेव भैया नहीं भेजो है ना आपको? हाँ हाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं वासुदेव जी ने ही भेजा है मुझे। ना वो तो स्मरण है, वही तो कह रही हूँ। आप ही विचार करो, आप मथुरा से आई हो, गोकुल में आप हमारी अतिथि हो, सम्माननीय आदरणीय हो आप, इसी कारण विनती कर रही हूँ, मना मत करो। अतिथि होने का मान तो रखना ही पड़ेगा। ये विष्णु की माँ अत्यंत हठी है, इससे पहले कि इसे मुझ पर संदेह हो जाए और मेरी पूरी की पूरी योजना बिगड़ जाए, मुझे कुछ करना होगा। जिस शुभ कार्य के लिए आई हूँ पहले वो करना चाहती थी, इसीलिए मना कर रही थी, पर अब आप इतना आग्रह कर ही रही हैं, तो आपका निवेदन भी अस्वीकार करना उचित नहीं है। मिठाई के इस टुकड़े से मेरी भूख शांत नहीं होगी विष्णु, मुझे तो पीना है तेरा करम करम रक्त। ताता, तीव्र हाको, हे नारायण, मेरे लल्ला की रक्षा कर। यशोदा ने कही थी मुझसे कि यात्रा ना करो, पर मैंने उसकी क्यों ना सुनी? अब यदि वो राक्षसी पूतना वो गोकुल पहुंच गई तो लल्ला के साथ साथ गोकुल के समस्त शिशुओं के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बस एक बार वो नन्ना विष्णु मेरी गोद में आ जाए, फिर तुझे दिखाऊंगी अपना असली रूप। क्या हुआ, मैं कुछ और लाऊं? नहीं, ये सेवा सत्कार, उत्सव मनाना, मिठाइयां भोजन करना, ये सब तो चलता रहेगा। पहले जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है वो कर लूं? इसे संदेह हो गया तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। बालक के उत्तम स्वास्थ्य का सवाल है, देर नहीं करनी चाहिए। जे तुम मेरी बुद्धि में आओ ही ना, आइए आइए शीघ्र आइए आइए। अरे सब देख क्या रहे हो, मिलने दो इन्हें लल्ला से। हाँ भाभी। भाभी नीलमणि तो सो गए हुए। सो
अपने को। तो यहाँ है तू। आज के बाद इतिहास मुझे कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आज विष्णु अवतार का अंत करूंगी मैं। कितना प्यारा है। पाश में फंस गई ना पूतना, अब देखो तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ मैं। अरे इसने तो अपना मुख घुमा लिया। अरे आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे जगा देती हूँ। लल्ला उठ जा, लल्ला देख कौन आवे तुझसे मिलने। लल्ला उठ जा, अपनी मैया को इतना सताएगा। उठ जा उठ जा लल्ला, देख मथुरा से आई है जय। उठ जा उठ जा लल्ला, उठो नीलमणि, नीलमणि उठो नीलमणि। लल्ला तो उठ गयो, उठ गयो। मुझे भी दिखाइए ना। अभी उठो है ना, आप अपरिचित हो, आपकी गोद में कहीं डर ना जाए। आप चिंता मत कीजिए, इसे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी। ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। दंड मेरे लल्ला को ना देना रहा है। काका शीघ्र चलो। अधिक विचार मत कीजिए यशोमती, मैं भी एक स्त्री हूँ, अनेक बच्चों को अपनी गोद में उठाया है, खिलाया है। मैं आपके लल्ला का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपको कष्ट तो ना हो रहा ना, मैं ले लूं? ना ना, मुस्कुरा रहा है। मुझे एकांत चाहिए यशोमती, ताकि मैं शांति से अपना दूध पिला सकूं। हाँ मैं आपको अपने कक्ष में लेके चलती हूँ, आइए आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। जब तक मैं उसकी भूख मिटा रही हूँ, आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। आपकी दृष्टि तो इतनी प्यारी है, कैसे लगेगी। अच्छा अभी लाई काजल। बोल विष्णु, उत्साहित तो है ना। साक्षात काल की गोद में खेलने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अंक
नाक में अपने खिला रही है, उसको जो है स्वयं अनंत। सर्प को रस्सी समझ के खींचे, अब निकट मूड का अंत। मैं जानती हूँ तू बहुत भोला है, बहुत प्यारा है शिशु विष्णु, पर क्षण भर के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तेरे इस रूप के जाल में फंस जाऊंगी। अब ये पूतना तेरी शिराओं में विष का संचार करेगी, तू तड़पेगा, दया की भीख मांगेगा और फिर चुपचाप अपने प्राण त्याग देगा। भूख लगी है? पी पी अपने इस मृत्यु के घूंट को और अनुभव कर अपना विष्णु अवतार कि तू पूतना के सामने कितना असहाय है। हम रुक क्यों गए? गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पहिए का किला निकल गया है, कसना पड़ेगा। Allah! Allah! Nilmani!
शीघ्र करो। अरे कोई समझ, छोड़ दुष्ट विष्णु, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। दया करो प्रभु, दया करो। अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बली की पुत्री रत्नमाला। बली दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी।
उपहार में तीन पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे, तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। दूध पिलाने की कामना थी पर अब विषपान कराना चाहती हूँ तुम्हें, विषपान। तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी, मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें। और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने पक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो, और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं, ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था, यही विधि का विधान था रत्नमाला। प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, यशोदा, 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 नीलमणि, नीलमणि,
नीलमणि, लल्ला कहाँ है? लल्ला, तुम दोनों ठीक हो? पूतना, लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ, लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को, लल्ला को मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। संभालो अपने आप को यशोदा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जीजी। अब बस जीजी, लल्ला मिल गया है। जीजी, लल्ला मिल गया है। काहे घबरा रही हो? मत रो मैया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई तो चुप कराओ इन्हें। रोहिणी ताई जी, अब आप ही संभालो। चुप हो जाओ यशोदा, नहीं तो देखो लल्ला भी रो पड़ेगा तुम्हें देख के। अब भी स्वयं से पहले मेरे आंसू पोंछ रही हो मैया। हे प्रभु नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमारा नीलमणि सुरक्षित। किंतु जे है कौन जो देवी बनकर आई और दानवी बनकर हमारे लल्ला को ले गई? मैं भी इतनी देर से जय ही सोच रही हूं, जे है कौन? पूतना, तो मंदिर पर मुझे सूचना मिली कि अनेकों गांवों में एक राक्षसी है जो दूध पीते बच्चों को खा रही है।
अब तक न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी पिछले कई दिनों में। जैसे मुझे सूचना मिली मैं सबको सतर्क करने आ गया, पर बहुत देर हो गई। मैंने कहा ना मैया, चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब वो किसी मैया की गोद नहीं उजाड़ पाएगी। मैं तुम्हें सोचू इतनी भयानक राक्षसी से हमारा नीलमणि बचा कैसे? पर इसे तो करोज भी ना आई मौसी। वही तो मैं सोचूं, ये हुआ कैसे? कोई साधारण बालक तो ये कर नहीं सकता। सही कह रही है मौसी, अवश्य हमारे लल्ला अद्भुत है। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो विशेष है अपने लल्ला में। लो कर लो बात, फिर से वही सब आरंभ हो गया। इनके चक्कर में कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। हाँ, इस घटना से सिद्ध हो गया है, बहुत दिव्य बालक है जे। अब तो मुझे पुकार लगानी ही होगी, बहन योगमाया सहायता करो। मैं यही हूँ भैया। मुझे पता था इतनी दिव्य लीला के बाद तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जो राक्षसी इसे मारने आई थी उसी को मार दिया इसने। वही तो मैं भी सोचूं, कोई तो बात अवश्य है जो सुधा तेरे बालक में। श्री नारायण की कृपा है। यही तो विशेष बात है यशोदा मैया के लल्ला की। ये तो वही है जो लल्ला की मालिश के लिए आई थी। भयानक राक्षसी जो मानवों को खा जाती है, उसे एक बालक मार सकते है भला? सत्य तो ये है, ये चमत्कार श्री नारायण का है। तुम सबने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा या नहीं? दिव्य प्रकाश? हाँ, मैंने देखा था। इतना तीव्र प्रकाश था कि आंखें चौंध दिया जाए। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अद्भुत प्रकाश इस बात का संकेत था कि नारायण ने ही हमारी सहायता की है। लगता है मैया मान गई। नारायण पर जो भरोसा करते हैं, नारायण सदैव उसकी सहायता करते हैं। नीलमणि की सहायता करने नारायण साक्षात प्रकट हुए। आकाश के मध्य बादलों के बीचों बीच खड़े रहकर उन्होंने इस राक्षसी के प्राण वायु खींच लिए और इसके प्राण हर लिए। तभी तो इसका निर्जीव तन भूमि पर पड़ो है। श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। यशोमती मैया का नंदलाल, यशोमती मैया का नंदलाल। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.